तो शुरू करें एक नया किस्सा लिखना अपनी जिंदगी में। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी ज्यादा एडवेंचरस और मजेदार होगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू ओवरलैंड थ्रू सिटीज, माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड लेक्स ऑन दिस ओडिसी ऑफ नॉर्थ इंडिया। एल्बस इधर आ, अगर तू चाहता है हम कोई ट्रिप करके आए तो शेक हैंड कर। अजा बढ़िया बंदा है, बढ़िया बंदा है। चलो चले ले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज रणधीर प्रताप सिंह एंड दिस इज कोमल सिंह सीरा एंड वी वांट टू वेलकम एवरीबॉडी टू दिस सीरीज। हम एक नया एडवेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उसकी फर्स्ट मॉर्निंग है, एनर्जी बहुत ही हाई है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद हम एक एक्सट्रीम एडवेंचर पे निकले हैं। इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू गाइस। और हम आज सारे गॉड्स को, जितने मंदिर खुले थे बीच में रास्ते में, हम प्रे करते आए हैं कि भगवान जी हमारी ये सीरीज बहुत अच्छे से बनाना। जैसे आप हर सीरीज में हमारे साथ रहते हो, वैसे ही इस सीरीज में भी हमारे साथ रह के अच्छे से सीरीज बनवा देना। 5:30 अभी हो रहे हैं, हम 3 बजे उठ गए थे, हम टाइम से निकल चुके हैं। आज का टारगेट जो है ना दोस्तों, एक्चुअली क्या बारिशें चल रही है, तो एक चैलेंज दिमाग में चल रहा है, वो ये है कि आज कई जगह हिमाचल में फ्लड आ रखा है। फिर आप लोग कहोगे कि क्या बेवकूफ हो, क्यों जा रहे हो आप, क्योंकि अगर इस टाइम नहीं जाएंगे ना तो फिर ना विंटर्स का टाइम आने लगता है, एंड फिर ना जहाँ पर हमारे को जाना है ना वो जगहों पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो एक बस आज का डे जो है, अगर हम वो क्रॉस कर जाएंगे ना तो बाद में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि बाद में हम वो सारा फ्लडिंग वाला एरिया क्रॉस हो जाएगा। तो फिर आज हम अपने गॉड को प्रे करते हैं कि वो हमारा और हमारी कार का ध्यान रखे, ताकि हम सेफली एंड साउंडली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए और आप लोगों के लिए कुछ जबरदस्त कंटेंट क्यूरेट करें, ताकि आपको भी लगे ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। तो आओ फिर घूम कर आते हैं। तो हमारी एंट्री होने वाली है नेशनल हाईवे 44 पर, टुवर्ड्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड ऑल द हिडनली प्लेसेस ऑफ इंडिया। मजा आ रहा है, सोच सोच के बहुत मजा आ रहा है। एक नए रोड ट्रिप की एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस होती है एंड हम खुद को कंटेन नहीं कर पा रहे थे। रोड कंडीशंस बहुत अच्छी थी तो हमारी सवारी आगे बढ़ती जा रही थी। बस मन में एक ही ख्वाहिश थी कि हम एक जबरदस्ती सीरीज एग्जीक्यूट कर पाएं। तो हम पहुंच चुके हैं करनाल झिलमिल ढाबा पे। झिलमिल ढाबा एक्चुअली चाय अच्छी है। और आपने नोटिस करा, हमने दो दो माइक लगा लिए हैं, अब आपको हमारी आवाज क्रिस्प एंड क्लियर दिखेगी नहीं, सब सुनेगी। आपने क्या खाया सुबह? नशे, मैंने वो पोस्ट खाया, अमल पोस्ट। जैसा कि हमारा रिचुअल है, हमने दो पराठे, अपनी चाय ऑर्डर करी है, अब मैं सोचती हूँ एक लस्सी भी मंगा लेते हैं। यही सोने का इरादा, मतलब यही टेंट खोलना चाहती है? तो यही टेंट खोलेंगे, हो गई ओवर लैंडिंग। इधर तो गर्मी लगेगी, एसी भी चाहिए होगा। पलाम से आ गए, थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम करनाल ढाबा, वो जो पीछे मयूर ढाबा था जो हम उस पे से रुकते थे, क्योंकि वो दिल खोल के खिलाते थे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं, मुझे ध्यान नहीं। हाँ, मक्खन बड़ा व्हाइट बटर देते थे ना वो लोग। हाँ, व्हाइट बटर देते थे, स्वाद लगता था उनका खाना। उनके ना परांठे थोड़े ना वो है, मैं इधर से देख के बोल रही थी, तो भैया साइड में खड़े हैं, थोड़े ड्राई है। अगर उनके ओनर सुन रहे हैं तो मेरी बात सुन ले। भैया एक चम्मच देना यार, अंग्रेज। अरे निकालना है उसमें से यार। पर वो ना जैसे उनका हाईवे बन गया ना वहाँ पे, तो फिर वो कट सा गया है मयूर ढाबा, इसलिए मैं यहाँ पे आना पड़ा, सो सॉरी गाइस। और हम जिंदगी में पीछे नहीं जाते, और आपको भी सुनना पड़ा इसके बारे में, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वेदर की वजह से हमें अपनी डे वन की डेस्टिनेशन और एंटायर रूट जर्नी को चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हुई।
बट हमने न्यू ट्रिप की एनर्जी में उसे भी अनदेखा कर दिया। मेन हाईवे लुधियाना वाला जो था वो बंद है और हमने गाड़ी घुमा ली है एक पिंड में। पंजाब देखो आप, मैं जब दिल्ली चला जाता ना तो मेरे को बार बार ना ये याद आता है कि यार यहाँ से जाने मजा आता है, तो ना यही सब याद आता है मेरे को, पिंड में से जाऊंगा पिंड में से। जैसे हमारे पंजाब साइड भी रिलेटिव्स रहते हैं ना, मैं तो ऐसे पिंडों से पहले गई हुई हूँ। हम मुक्सर साइड जब जाते हैं तो बीच में से रास्ता कटता है पिंडों में से होके, तो मैं कई बार वहाँ से गई हुई हूँ। तो रणधीर थोड़ा स्केप्टिकल था, मैं कह रहा यार हमारे पास तो थार है, हम पिंडों में से निकालेंगे, कच्चा रास्ता भी होगा तब भी मजा आएगा। रणधीर कहता चल मैं भी इस बहाने पंजाब के पिंड देख लूंगा गहरे गहरे। इतना जबरदस्त अंडरपास बना रखा है पिंड के अंदर, मजा ही आ गया मेरे को। तेरे मुंह में पानी क्यों आ रहा है? इसका ना कंस्ट्रक्शन देख के मुंह में पानी आ जाता है इसके। कुतिया वांगू बोली। I feel life is easier in these parts of the country, but I guess जंग एक ही है, बस सबका लड़ने का तरीका अलग है। तो गाइस वी हैव रीच पठानकोट एंड 4 बज चुके हैं शाम के। एंड जब हम वरवान वैली गए थे तब हमारा शाम का टारगेट था, हम शाम को पहुंचे थे यहाँ पे क्योंकि विंटर्स का टाइम था तो 5 बजे तक अंधेरा हो भी गया था। बट आज हमारा इनिशियल प्लान था कि हम मनाली से होते हुए जाएंगे, बट मनाली में जैसे आपको पता है बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लडिंग हुई है, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ 3-4 जगह पे। कुल्लू मनाली हाईवे बहुत ज्यादा ही डैमेज हो चुका है, कंडीशन वहाँ की बहुत ही एडवर्स है। सो वी डिसाइडेड कि चलो कोई नहीं कश्मीर की तरह से चलते हैं, हमारे को क्या हमारे कौन सा दिन है, हमारे को कोई कौन सा फिक्स चीज है। तो जब हमने ये डिसाइड किया कि हम मनाली से नहीं हम जम्मू कश्मीर वाले रास्ते से जाएंगे, उसके बाद हमने सोचा कि हम जम्मू तक जाएंगे, ठीक है टाइम इतना अभी बाकी है तो हम करेंगे क्या, मतलब बाकी 7 बजे तक तो रोशनी रहेगी तो 3 घंटे हमारे पास है, तो ये कुछ प्लान है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अंधेरा होने से पहले हम वो वाला सेक्शन क्रॉस करें। चलो आओ हैं गप्पे मारे और तुम्हें बताएं कि आज हमने क्या करा। तो लो जी हम पहुंच गए जम्मू, हम अप्रोक्सीमेटली 7 बजे तक पहुंच गए थे। फिर हमने यहाँ पे आसपास मतलब होटल ढूंढा, और क्योंकि हमारे पास सिम नहीं थी कोई, हमारे दोनों के जो हम दिल्ली वाले सिम्स लाए थे उसका तो नेटवर्क ही चला गया, तो हमें इतनी प्रॉब्लम हुई। हम इतनी देर तक सबसे पूछ पूछ के ओल्ड स्कूल टाइप में सबको पूछ रहे थे भाई कोई होटल बता दो है ना। और पता क्या हुआ, जो हमारी पुरानी JNK की सिम थी ना जो हमने एक ले रखी थी वो किसी और के नाम पे रजिस्टर होगी, हमारे पास पड़ी थी वो लेकिन रजिस्टर किसी और के नाम पे होगी। क्यों? क्योंकि हमने मात्र 10 रुपए का रिचार्ज नहीं करवाया था इसलिए, ठीक है। फिर हमने नई सिम अप्लाई करी, 15-20 मिनट आधा घंटा का प्रोसेस वो होता ही होता है, तो फिर वो करा। उसके बाद जब हमें गूगल मैप्स का सहारा हुआ तब हमने अपने आसपास होटल देखने स्टार्ट करे। तब तक मतलब मैं तो थक चुकी थी, रणधीर भी थक चुका था वैसे। तो जब हम थक गए तो हमने कहा भाई अब जो नेक्स्ट होटल आएगा हम वो ले लेंगे, ठीक है। अलविदा, शब्बा खैर, कल सुबह मिलते हैं और उसी एनर्जी के साथ मिलते हैं। वैसे बता दूं कि जम्मू तक आया लेकिन कुछ ज्यादा मजा नहीं आया, इसलिए हमारा पागलपन भी थोड़ा बाहर निकला नहीं है। कल मिलते हैं, गुड नाइट। Hello everyone, a very good morning to you. We are reporting live from Jammu. This is our day 2 in Jammu and we are going towards Sonmarg today. और हमने जितनी भी बातचीत और पूछताछ करी उससे हमें ये पता लगा कि हमें बनिहाल तक बस मतलब बनिहाल जैसे जैसे क्रॉस कर देना है उसके बाद तो फिर देखो आपको भी पता है हमें पता है हाईवे है, मतलब तो फिर वहाँ ले तक पूरा कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आज पूरी रात बारिश हुई है तो बनिहाल का जो एरिया है वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो वहाँ पर एक जो स्ट्रेच है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर वो क्रॉस हो जाएगा तो पूरा नॉन स्टॉप आपको कहीं पर कोई भी पंगा नहीं आएगा। तो आओ फिर घूम कराते हैं। जम्मू सिटी की वो सुबह बिल्कुल ही अलग सी पावर लेके आई, जितना लॉस्ट हम रात को फील कर रहे थे ये सुबह उतनी ही पॉजिटिविटी लेके आई। रात भर बारिश होने की वजह से पूरी जगह इतनी हरी भरी और खूबसूरत लग रही थी मानो कुदरत खुद हमारे लिए तैयार हुई हो।
वेलकम टू चनानी नाचरी टनल। आर यू रेडी? यस आई एम। एंड कश्मीर की भाषा में वेलकम टू चनानी नाचरी टंडल। ये मजाक नहीं है दोस्तों, यहाँ के लोग बोलते हैं टंडल बोलते हैं इसको। भाई मौसम देखो, मौसम ये औसम बड़ा, बहुत ज्यादा औसम हो रहा है। एंड ये एक्चुअल में हमारे देश का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है चनानी नाचरी, जो अटल टनल है उसकी लेंथ भी काफी लंबी है, बट वो 10,000 फीट के ऊपर सबसे लंबा टनल है। ये एक्चुअल में लेंथ वाइज सबसे लंबा टनल है। जो रोड टनल्स है हमारे, जो एक्चुअल लंबे टनल्स हैं, वो ट्रेन के टनल ज्यादा लंबे हैं। मजा आ गया। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम ऑलमोस्ट एक साल के अंदर दूसरा चक्कर मार रहे हैं JNK का। हम अभी वर्धमान वैली जब आए थे लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर के सितंबर में, तब हम चनानी नाचरी होते हुए गए थे। एंड हम फिर अब एक साल के अंदर अंदर सितंबर से पहले अगस्त में फिर से चनानी नाचरी होते हुए कश्मीर जा रहे हैं। Don't be jealous guys. पिछली बार हम कश्मीर का चक्कर नहीं मार पाए थे, बट आज तो असली कश्मीर से रुकेंगे। और तेरे को कैसा लग रहा है ड्राइव करके? भाई मैंने तो लास्ट टाइम भी ड्राइव किया था, ठीक है, तो मुझे तो मस्त ही लग रहा है, बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। एक स्पीड लिमिट पे रख दो बस, चलाते जाओ गाड़ी। बारिश में ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है, और बारिश में पहाड़ों में ड्राइव करना किसी रोमांटिक मूवी से कम नहीं होता। हाँ भाई, तो कैसा लग रहा है बारिश में ड्राइव करके? छप छप बरसात पड़ रही है, छप छप, मतलब बीच में तो ऐसी बारिशें हम देख रहे हैं कि मजा ही आ गया। बारिशें बोलेंगे इसको, बारिशें लाइक्स कैट एंड डॉग्स। ये रणधीर पूछ रहे हैं कि तुम कैसा लग रहा है गाड़ी चला के, तो मैं कह रही हूँ ये तो बात तुम उनसे पूछो ना जिनके पास और गाड़ियां हैं। मेरे पास तो थार है ना, क्योंकि तो फिर मेरे लिए क्या बारिश, क्या कादड़ मिट्टी। भगवान ना तेरे जैसे बंदों को ना फिर वो ही नहीं करता, अलग से कड़ाई रखता है क्या मेरे लिए? हम्बल नहीं हो ना तुम लोग, भगवान कहेगा दे दो ना ये भाई कुत्ती जाता है। यार मैं अपना वो बता रही हूँ कि मैं खुश हो रही हूँ अपनी थार चला के। मन उच्चा मत नीवी रखो अपनी, मन नीवा मत तुच्ची बेवकूफ। देखा तेरे लिए मैंने सही बोल दिया। गाइज ये जो कोठी आप देख रहे हैं, इतनी एक नंबर कोठी है ये बंदे को दुनिया बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ना इस बंदे के घर पे आने का रास्ता ना जाने का रास्ता है। होगा कहीं से तो होगा। अरे नहीं है ब्रो, मैं देख पा रहा हूँ वो एक पगडंडी सी है, मतलब ये पैदल ही जाते होंगे, कहते होंगे मेरे पास आना तो चल के आओ वरना नहीं रास्ता सीख रहा हूँ। दस की कोठी पाई सी होने, तेरे तो दूर तो मैं कोठी पावांगा। गाइज वेलकम टू द श्रीनगर ले हाईवे। अब यहाँ से हमारी गाड़ी सटासट चलेगी, कोई भी स्टॉपेज नहीं आएगी, अब हाईवे एक नंबर रहेगा थ्रू आउट। जो भी डिफिकल्ट सेक्शन थे हमने सारे क्रॉस कर लिए। कश्मीर का तो माहौल अलग ही है, मतलब क्या बताऊं, मतलब अलग ही है। यहाँ तो बादल ही बादल हो रखे, लिटरली ब्लू स्काई है। और बातों बारिश हो रही थी, यहाँ पे बादल हो रखे हैं तो ब्लू स्काई वाले बादल हो रखे हैं। काजीगुंड टनल की उस तरफ थी बारिश, यहाँ तो कोई स्कोप भी नहीं कि दो तीन दिन तक बारिश होगी। माहौल ही मतलब सच में बोलते ना कि यार उस तरफ तो कश्मीर है, यही हो जाता है आगे हमेशा ना। यहाँ पे कश्मीर एंटर करते हैं भाई साहब वाइब बीच बदल जाती है। आपको शुभम की बातें एनर्जी और फेस से भी लग रहा होगा कि ये भी खुश है, कल तो बीच बन के बैठा हुआ था साइड में, एक नंबर की टोक इंसान है, टोक लगा देती है। बीच बना हुआ था कल, लिटरली बीच होती है ना। और इस बार दोस्तों मैं गाड़ी में हूँ तो मैंने कसम खा रखी कि इस बार मैं कश्मीरी विल्लो बैट यहाँ से लेके जाऊंगा, तो ये भी एक काम अपने को करना है इस बार ना। वाह मजा आया दोस्तों, बहुत टाइम के। अरे भाई सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, मैंने फोन नीचे कर लिया जैसे मैं कुछ गलत काम करके। पिछली बार जब हम इस हाईवे पे गए थे तो मैं कोमल छोटे बच्चे से थे, हमारे मुंह पे दाढ़ी भी नहीं थी ढंग से, और हम बाइक पे जा रहे थे, अब हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है सर जी। एसी चला दे, एसी बंद कर रखा है यार, ऐसा बिजली का बिल नहीं आता।
हम इस टाइम कैलिफोर्निया में ड्राइव कर रहे हैं गाइस, यूएस कैलिफोर्निया। हमने अभी जम्मू से स्टार्ट किया था, नाउ वी हैव रीच्ड यूएस कैलिफोर्निया। इसका एक्चुअल पर्पस इसलिए कि यहाँ पर जब इमरजेंसी लैंडिंग करवानी हो प्लेन वगैरह की, तो इसलिए इसको बनाया गया, क्योंकि इसके जो सेंटर स्ट्रिप्स हैं वो भी बहुत बड़े हैं एंड ये एज एन एयर स्ट्रिप भी वर्क करेगा। कश्मीर आया था तो मैंने कहा इस बार बैग लेने नहीं जाऊंगा। यहाँ पे सारे ड्रामे करके देख रहा है। ओहो ओहो ओहो, टेस्टिंग हो रही है। कितने सारे बैट हैं? बेस्ट फीलिंग है दोस्तों, ये बेस्ट फीलिंग होगी मतलब मेरे लिए। हम दो तीन बार ना इस हाईवे से गए थे, तो पहले हम ना बाइक पे ट्रैवल करते थे, तो हम बाइक पे गए थे, तो मैं बता रही थी कि इसने मुझे बहुत ज्यादा वो कर रहा, मुझे बैठ ले दे, मुझे बैठ ले। मैं कहा ले तो लेगा, पर रखेगा कहाँ पे, हमारे तो ट्राइपॉड वगैरह इतना सारा कुछ सामान होता है ना। अब कोई बात नहीं, अब लो बैठ अपने। ये हमें कश्मीर में प्रॉपर बैट फैक्ट्री के अंदर आए हैं। दिस इज हाउ बैट्स आर मेड, लुक एट द प्रोसेस। ऐसे एक साल तक ये लकड़ी को सुखाते हैं, फिर ऐसे बैट बन रहे हैं। वाह, ये रॉ लकड़ है, ये कटनी शुरू हो गई। सारा यही बना देते ना भैया आप? हैमर जो जो उसकी हत्ती होती है, वो जो हत्ती बाहर से आप इम्पोर्ट करवाते हैं, वो नहीं बनती, वो यहाँ नहीं बनती, वो बांस का। सो नाइस। हम पहुँच गए कश्मीर, एक ऐसी जगह जो मुझे फहमी बदायूनी, जो कि एक उर्दू पोएट है, उनकी एक कविता की याद दिलाती है। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं। तू जहां तक दिखाई देता है, तू जहां तक दिखाई देता है, उससे आगे मैं देखता ही नहीं। कुछ ऐसे इमोशन जगा देता है कश्मीर, खुशी, उदासी, शांति, सब कुछ महसूस करा देता है कश्मीर। ये रही हमारी आइटम, और ये रहे हम एट डल लेक। हमारा इधर वाले रीजन का हाफ हम रीच कर चुके हैं, श्रीनगर पहुंच चुके हैं, बहुत ही जल्द हम पहुंच जाएंगे सोनमर्ग। देखा हमने कितनी फटाफट ये डिस्टेंस कवर किया, झटपट फटाफट। जो अब आज हमारा टास्क एक रह गया वो है अब लंच करना। अब हम यहाँ पे कहीं लंच कर लेते, क्योंकि इसके बाद तो कुछ प्लान है। मुझे याद है कि हमने जो लास्ट टाइम पे ना कहीं पे रुक के लंच किया था, यहाँ पे ईद थी, यहाँ पे कोई ना रेस्टोरेंट खुला नहीं था, तो हमने एक जगह पे लंच किया था, वहाँ पे ना नदी बह रही थी पीछे। तो मैं चाह रही हूँ कि आज भी हमें वो अगर होटल मिल जाए ना, तो हम वहीं लंच कर लें, थोड़ी देर और वेट। श्रीनगर से क्रॉस करके मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। आओ थोड़ा जेटी पे बैठ के आते हैं। पीछे वाटर शो हो रहा है हमारे, धूप बहुत तेज हो गई है यार। इस टाइम पे कोई टाइमिंग इनकी वैसे डिफरेंस नहीं है। वो कितना ऊपर जा रहा है वो देखिए, अरे बाबा गर्मी बहुत है दोस्तों। सोनमर्ग में देखो शायद अच्छा लगे, बहुत तेज गर्मी है दोस्तों, बहुत तेज गर्मी। श्रीनगर से सोनमर्ग का रास्ता अपने आप में एक जर्नी है, एकदम वाइट वाटर स्ट्रीम्स, मेडोज, माउंटेन पीक्स विद स्नो, ट्रीज टचिंग द स्काई, सच में हेवन ऑन अर्थ है। Sonmar!
गो। हो गाइस, ये है हमारा ओवरलैंडिंग सेटअप। ये हमारा टॉप, नीचे हमारी सिटिंग पोजीशन। ये कुकू चढ़ी हुई एटम के घर में, इसके टेंट में। ये है हमारा रूम जिसके अंदर है आंखें चौंधियाने वाली लाइट्स, क्योंकि यहाँ पे हमारी किचन, यहाँ पे हमारी कुकिंग होगी। यहाँ हमारा सेटअप एकदम क्लियर है। यहाँ पे हमारी बैठक के लिए लाइट लगा रखी है हमने, ताकि हमें दूर दराज तक दिखता रहे। और हमने फेरी लाइट्स चारों तरफ लगा रखी हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए। ये है हमारी एटम का सेटअप। ये इसकी इधर से प्रोफाइल है। Amazing. Guys, welcome to my kitchen. कुकू का किचन। ये हमारा इसमें पहला खाना बनने जा रहा है। हम कड़ा प्रसाद तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए हम बनाएंगे चिकन और चावल। Guys, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तो इसमें मैं ज्यादा तरक्की कर नहीं सकता। मेरा जो डिपार्टमेंट है वो आपको हर तरफ दिख ही रहा है। ये कुकू डॉन का डिपार्टमेंट है, और मुझे बस अपना बल्ला ही दिख रहा है, मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है। ये सरसों का तेल है, इसमें अभी हम अच्छे से चिकन को पकाएंगे। हम लोग तेल थोड़ा ज्यादा ही खाते हैं। हमारे सरसों का तेल का धुआं निकल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अब यार, ये घर वाली आंख तो यहाँ पे भी चुभने लग गई। तेल ही ऐसा यार, हमारा प्योर तेल है ना एक्चुअली। अब गया लहसुन छोटा छोटा काट के। मैंने पहले छील के और तैयारी कर ली थी, जब थोड़ा टाइम था हमारे पास सेटअप ना लगाने का। गाइस, मेरे को तो ना बड़ा मजा आता है, मैं सोनमर्ग में आके चिकन बना रही हूँ। वाह, लाइफ होते ऐसे। ये हमारी चिकन की धुलाई हो रही है। गाइस देखो, मैं भी थोड़ा सा कुछ सॉटे कर रहा हूँ। ऐसे कुछ करते हैं ना, सॉटे क्या बोलते हैं, यही होता है। सॉटे बोलते हैं। सही बोल दिया, तुक्का मार गया। हरी मिर्ची मेरी फेवरेट है। तेरी जबान की तरह। मुझे बड़ा मजा आता है हरी मिर्च डाल के। आंखें ना मल लियो। ये मैं कर देती होती हूँ। चिकन डालना शुरू कर दिया है हमने इसके अंदर, तो ऐसे बन जाएगा। चिकन को कुछ बॉयल नहीं करना पड़ता, राजमा वाजमा की तरह। चिकन तो बहुत जल्दी पक जाता है। ऐसा है क्या? ओह, सेटअप बहुत अच्छा है। एंड दोस्तों, हमने कॉम्पोजिट सिलेंडर में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ब्लास्ट प्रूफ होते हैं, एडवेंचर प्रूफ होते हैं, और ये बहुत लाइट होते हैं। एडवेंचर प्रूफ मतलब एडवेंचर के लिए प्रूफ्ड है। अब क्या हो रहा है? नमक, थोड़ी सी हल्दी। गाइज, मैं बता रहा हूँ, हमने इतने ट्रैकिंग, इतनी बाइक राइड करी है, शो ऑफ करते हुए नहीं बता रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ब्यूटेन के सिलेंडरों पे ना ऐसी चीज़ें नहीं बन पाती। ऐसी चीज़ें गैस पे ही बनती हैं। क्योंकि ब्यूटेन का सिलेंडर एक तो आता भी एक्सपेंसिव है, और उसके हिसाब से ना मतलब उसकी वो फ्लेम में वो दम नहीं होता, बहुत देर लगती है उसको बनने में। उनके बर्नर पे धड़ाधड़ मसाले चल रहे। क्या क्या डाल रही है भाई, बता तो दे कुछ। नमक मिर्च हल्दी तो डलता ही डलता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ना, क्योंकि हमने सूखे मसाले नहीं डाले ना इसमें, तो ग्राइंड करके ले आई थी थोड़ा सा, वो स्पेशल मसाला है, वो डलते दिमाग है तेरे पास है। एक्चुअली मम्मी ने बताया था, तो मैं वैसे वैसे लिया है, ठीक है। थोड़ा धनिया पाउडर डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, और चिकन मसाला, मीट मसाला डाल दो थोड़ा सा, मतलब मसाले वाला ही चिकन होने वाला है ये। ऐप तेरेगी। क्या कर रहे हो भाई? टॉयलेट पिट बना रहा हूँ। लाइट उधर देख के बात करो, हमसे आंखें नजरें नीची करके बात करो। टॉयलेट पिट बना रहा है? हाँ। क्या हो गया, खुद नहीं रहा? नहीं, खुद रहा, फर्स्ट क्लास। यहाँ थोड़े पत्थर है, खुद आराम से ना, थोड़ा सा पत्थर बजा के फावड़ा मार रहे, तो नहीं चल रहा हूँ, आराम आराम से करना पड़ रहा। लास्ट वर्वान में जो मिस्टेक करी थी कि वाटर बॉडी के पास टॉयलेट पिट खुदा था, अब वो नहीं करूँगा, इसलिए मैं काफी दूर आगे कर रहा हूँ। गुड, वेरी गुड, लेसन लर्न, गो टू वर्क। हाँ जी गाइस, रेडी? रेडी, क्योंकि हमारे चिकन चावल तो रेडी। आओ। ओ हो, बासमती राइस बन गए मेरे तो। आ तेरी। नाइस ब्रो, नाइस, वेरी नाइस, सो प्राउड ऑफ यू। ऐसा खाना मुझे खिला रही है। खा के बताता हूँ भाई, मैं इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी ओवर लैंडिंग करने के बाद कैसा खाना है। क्योंकि नॉर्मली से जैसे हमें घर में जितना टाइम लगता है ना खाना वगैरह बनने के लिए, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, उसे थोड़ी ज्यादा सीटियां लगी, तो अब देखो कैसे बनता है। एक दो बार बना के आइडिया हो जाए। चावल तो गर्म है। मजा आ गया। कोई कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं, मतलब आपको जो वीडियो देख के सोच रहा होगा ना, मन आपका जो टेस्ट बता रहा होगा, एग्जैक्टली वही टेस्ट। सही है।
सो नाइस। चिकन चावल सर? नहीं नहीं, चावल अलग चिकन अलग। आप लीजिए ना इसमें से, चिकन लीजिए। अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने? हमें तो शूट करना होता है इसलिए शूट भी कर रहे थे साथ साथ। यहाँ सोनमर्ग का डिसीजन हमारा बहुत सही था क्योंकि फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्चुअल ओवरलैंडिंग दिस इज वन हेल ऑफ अ प्लेस। यहाँ की वाइब, यहाँ की एनर्जी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे है। मतलब जो जनरली हमारे को डर लगता है ना रात, वो यहाँ पर 1% नहीं। बड़वान में हमारे छक्के छूट गए थे रात को, मैं एक्चुअल वर्ड्स बता रहा हूँ, छक्के छूट गए थे। मतलब हम लोग बार बार देख रहे थे बाहर की यार कोई है तो नहीं, कोई जानवर हमारे ऊपर कुचल के तुम चला जाएगा हमें। मतलब हम सुबह सोए थे। हाँ मैं आपको रियलिटी बताऊं दोस्तों, रात को जंगल में डर लगता है। भले हमें सुबह, और आपकी बात नहीं करें, किसी की भी बात नहीं करें, हम खुद की बात करें कि हम जो एज अ पर्सन है ना, सुबह में हमें लगता है हम झंडे गाड़ दें रात को ओवरलैंडिंग करके। जैसे जैसे शाम होने लगती है ना, तो वैसे थोड़ा सा डर कंसर्न बढ़ने लगता है। अंधेरा चीज दोस्तों करता है, कितने मर्जी हम, आपको भी पता है, आप देख रहे हो कि हम कितने टाइम से एडवेंचर कर रहे हैं, मैं उससे कितने टाइम पहले से घूम रहा हूँ, बट रात को जंगल में डर लगता है। तो यहाँ पर इतने लोग हैं, सबके सब इंजॉय कर रहे हैं, सबके सब कैंपिंग कर रहे हैं, सबके सब कुकिंग कर रहे हैं, और पूरी पूरी फैमिली जा रखी है। गई तो उस साइड पे फैमिली है जिनने 2 से 4 टेंट लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे अंकल लोग हैं हमारे, इधर एक पंजाब से गाड़ी आई हुई है, वो कर रहे हैं, सब लोग ओवरलैंड ही कर रहे हैं, माहौल बहुत बढ़िया। तो अब 11:30 हो चुके हैं रात के, एंड इस बार हमने क्योंकि प्रॉपर ओवरलैंड किया तो हमारा टाइम अच्छे से बीत गया, अदरवाइज हमारे सारे काम सारे अटरम शटरम 8 बजे ही खत्म हो जाते थे। और मैं सच्ची बताऊं, मैं थोड़ा थक गई हूं क्योंकि इसने आज सुबह ये ड्राइव ही कर रही है तब से। इसने मुझे 80 किलोमीटर पहले दिया गाड़ी, मतलब जो दिल्ली से लेकर चला के भी यही लाई है, एडवेंचर सारा यही कर रही थी। पता क्यों? क्योंकि ना जैसे जो पैसेंजर होता है ना, जब वो बैठा होता है ना, तो उसको लगता है ठीक है मैं बैठा हूँ, तू ड्राइव कर रहा कर ले, ठीक है। तो ऐसा ही मेरे साथ होता है, और ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि अगले के साथ भी होता है। तो फिर मैं, और मेरा हाथ बैठा होता है उस टाइम पे, तो फिर मैं सोचती चलो मैं ड्राइव करती रहती हूँ, और प्लस मेरे को ड्राइव करना पसंद भी है, तो इस करके फिर मैंने दी नहीं। फिर मैं एंड तक आते आते तो थकी गई थी बिल्कुल, और फिर खाना वाना बनाया, पूरा टेंट कैंप सेटअप किया, हो गया अब मेरा ये आउट। आज तो नींद तगड़ी आएगी दोस्तों, बहुत तगड़ी नींद आएगी आज, क्योंकि आज हम माइंड से भी फ्री हैं कि चलो हमें ये है कि जो एक टास्क हमें सबसे डिफिकल्ट लगता था अकेले रहने का, हाँ आज वो नहीं है। तो आज सच में जनरली बहुत ज्यादा माइंड को ईज है। छुट्टी लें फिर? चलो फिर, चलो गाइस आपको कल मिलते हैं, गुड नाइट। Greetings to everyone from Sonmar. This is a very beautiful morning. पहली बार हुआ है कि हम कैंपिंग करने में हमें धूप ने उठाया हो कि अब नहीं सोना, अब उठ जाओ। हम तो और भी सो सकते थे, अभी 8:30 ही हुए थे, हम उठ गए। क्यों? क्योंकि हमें धूप ने उठाया, वरना हम और भी सो जाते, क्योंकि हमें कोई देखो वो तो करना नहीं है। क्योंकि जब हम डरे डरे कैंप करते हैं ना अकेले, एडवेंचरस होके हम ज्यादा ही एक्सट्रीम इलाकों में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे हम अकेले होते हैं, तो हमारी नींद तब खुल जाती है जब पहली रोशनी टेंट में हल्की सी आ जाती है। चलिए और सवेरे होगी उठ जाते हैं। यहाँ तो पड़े रहो, धूप ने आगे लिटरली लात मारी है हमारे को, जैसे किसी के घर में बंदे उठाते हो ना गुस्से से। मेरे घर में तो देखो कोई नहीं उठाता जितनी देर से, किसी के घर में जैसे पिटाई होती है, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, उठो सवेरे होगी, 12 बज गए और सुबह के 7:30 बजे होते हैं। तो आज वही हुआ हमारे साथ, यार बहुत टाइम हो गया लगता है, 8:30 हो गए। ये पहली बार हुआ कि मैं किसी इतनी खूबसूरत जगह रुका हूं और मेरे को सिर्फ 150 रुपए खर्च हुए, मतलब मेरा कुछ खर्चा ही नहीं हुआ दोस्तों यहाँ पे। वो भी क्योंकि हमारा मन था कि हम चिकन खाएंगे, वरना तो हम सब कुछ लेके ही आए थे। हमने ना फर्स्ट डे कैंपिंग के हिसाब से ना पुलाव सोचा था, मैं कहती नहीं यार तुम चिकन ले लेना, चिकन ना होगा तो तुम्हें मजा आएगा, फील आएगी। सच्ची बात, मम्मी वहाँ दिल्ली बैठे बैठे फील ले रही है। ये तो सच्ची बात थी कि हमने चिकन बनाया तो हमें फील आई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो नीचे उतरते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते धोते हैं, आज का दिन दिखाते हैं, आज का दिन तो लेजी यही मैं कहने वाली थी, आज का दिन तो लेजी होने वाला है, आज हम यही रहेंगे। मन करेगा तो धीरे धीरे जाके नहा लेंगे, मन करेगा तो कुछ शूट कर लेंगे, मन करेगा तो चाय बना लेंगे। लेदर की बॉल मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि हमने कल शक्के मारने, मैंने कश्मीरी बिल्लो लिया था, फैमिली आई है यहाँ पे, काश मैं भी ले आता। बड़ी वाली थार आ रही है ना, इसने अभी इसमें सेटअप किया और ये बातें कर रहा है। अबे गाड़ी भी तो मैंने अभी ली है, कौन सा बहुत टाइम हो गया, 1 साल पूरा, पहली ओवरलैंडिंग है इसकी, पहली ओवरलैंडिंग। चलो गाइस बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, ये हमारा सेटअप है गाइस, ये हमने एक थोड़ी सी मतलब खुद की कस्टमाइज करके ऑनिंग बनाई है, बिकॉज अभी हमने ऑनिंग नहीं लगवाई थी कार में। वो कुकू आ रही है अपना मुँह हाथ धो के, आओ पास से दिखाता हूँ। इधर तो कार आपने देखी है, ये हमारा किचन सेटअप है, ये हमारा गैस स्टोव का सेटअप है। अब हम अपने सैंडविचेस की तैयारी कर रहे हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। फिर आपने इस खूबसूरत टेंट को तो देख ही लिया है, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी रात को इसमें सो के ना, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग। अब ये लाइट्स लगा रखी है हमने, लाइट का सेटअप हमारा बहुत अच्छा बन गया है, ऑल थैंक्स टू, आई विल शो यू समथिंग। हमारी इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स पूरा कर रहा है ये इकोफ्लो पावर स्टेशन है, ये बहुत पावरफुल है। अभी मैंने इसको रात भर यूज किया, मतलब 5 घंटे तो यूज किया है, एंड इसकी बैटरी अभी हुई है 83, मतलब ये आराम से
चार पांच दिन तो आपको लाइट्स दे देगा, कुछ भी चार्ज करना हो वो चार्ज कर देगा। बहुत ही अमेजिंग है। ये सोनमर्ग का व्यू है, ये हमने टॉयलेट टेंट पिच करा था, वहाँ नदी बह रही है, वहाँ और लोग भी कैंप कर रहे हैं। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा लग रहा है। उधर जोजीला की तरह थोड़ी सी मौसम खराब लग रहा है, बट रोड में कोई ब्लॉकेज नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू द कुकिंग चैनल। ये है कुकू की किचन। कुकू की किचन हमें कवर करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही थी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि गैस ऑन भी हो रही है कि नहीं हो रही, और हो रही थी तो फिर इतना मजा नहीं आ रहा था कुकिंग में। तो हमने एक चेंजिंग रूम लगा दिया है और अब हमारी चाय बन रही है मस्त। मैं दूध खरीद के लाई थी, ब्रेड खरीद के लाई थी, थोड़ी देर में मैं सलामी सैंडविचेस बनाऊंगी, वो क्योंकि हमारे फेवरेट है, तो हम पहले सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमारी चाय उबल रही है। कहते हैं चम्मच मारने से चाय ज्यादा स्वाद बनती है, इसलिए मैं चम्मच मार देती होती हूँ। चीनी, चाय पत्ती कुछ डालो नहीं डालो, चम्मच जरूर मार दो, इसमें स्वाद बन जाएगी। असली चीज को भी डाला है। वाव। आजो। ब्रंच कर लो। ऑल थैंक्स टू कुकू, नो थैंक्स टू मी। हम इतने बढ़िया सैंडविच खा रहे हैं ना, मैंने रात को कुछ खाना बनाया, मैं तो सिर्फ ऐसे लग रहा खाने आया हूँ, और ये मुझे घुमाने और खिलाने लाई है। ये बाकी काम संभाल लेता ना, इसलिए मैं किचन का संभाल लेती हूँ। ऐसे ही बोल रहा है, वैसे ही किचन में आके हेल्प करा देता है मेरी। चलो फिर सैंडविच खाएं। आपने देखा मैं स्पीचलेस हो गया। इसका क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा बना गाइस, है ना, अमेजिंग बना। हमने चाय भी बनाई है, लेकिन अगर भी मैं ला के रखती तो ठंडी हो जाती है, इसलिए चाय थोड़ी देर में। हवा बहुत तेज चल रही है ना, सुबह ब्रश करने गई सी इसी ग्लेशियर दे पानी, तो अगले दिन दी भी नींद उड़गी। गाइस सच में इस बार मजा आ रहा है मुझे तो ओवरलैंड करने में। ये भी सुबह सुबह थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी क्योंकि ना इसने कुछ खाया नहीं था, और जैसे इसने बताया आपको कि बिना खाए क्रैंकी होती है, एंड वो सच में हो रहा था। मुझे एनर्जी नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जाके सो जाऊं, और अभी बहुत काम पड़े दिन में, हमने बहुत कुछ सोच रखा करने का, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं तो अभी थक गई। फिर मैंने ध्यान दिया, मैं कहीं जो मैं बना रही हूँ खा के मेरे में एनर्जी आ जाएगी, बस फिर स्लिप खाते हैं। ये रणधीर नहा रहा है, जैसे ही धूप आई ये भाग के चला गया कि मैं दो डब्बे डाल के आता हूँ, इसका डब्बा ही ना बह जाए कहीं पे। इसको इतनी सर्दी में भी नहाने का वो नहीं है। अभी 5 बज रहे हैं, मस्त धूप हो रही है, धूप होते ही निकल गया कि मैं नहा के आ रहा हूँ, वो देखा डब्बा चला गया पानी से। मैं वही कह रही थी, बताओ ये कहाँ नहा रहा है, बताओ। ओह माय गॉड, पूरी वैली में ये नहाता हुआ रणधीर। ध्यान से देखना, वो खड़ी हमारी आइटम आपको दिख रही है, हम उसको पूरा पैक करके आए हैं, और अब हम जा रहे हैं
मेन रोड पे थोड़ी उसकी फील लेने के लिए। आज मैं इसको रास्ता दिखाते जा रही हूँ। हम लोग टहलते हुए सोनमर्ग की गलियों से जा रहे हैं और टुवर्ड्स द मेन मार्केट बिकॉज वी हैव टू बाय सम बेसिक यूटिलिटी आइटम्स एंड जो हमारे मतलब उनके बिना भी काम हो जाएगा बट अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा वाइब भी लेनी है वहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट होते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा शांति हो जाती है एकदम। हम दिल्ली वाले हैं तो हमें शोर थोड़ा सा देखना होता है, बीच में डोज चाहिए होती है उसकी, फिर नशे करके मजा आ गया। क्या हो गया भाई? देखो दोस्तों इसको हवा में ही नशे हो रहे क्योंकि हवा में नशे चोरे गए तो इस बात को यहीं दबा दिया जाए। आज की रात की डिजर्ट ले ली है मैंने, खाने की तैयारी करेगी कोमल, डिजर्ट की तैयारी कर ली मैंने ताकि मुझे कह ना सके कि मैंने कुछ करा नहीं है। यार हमने अंडे का कुछ नहीं बनाया, अभी कल बनाएंगे, अब आज का जुगाड़ तो हो ही गया। हम दोनों अपनी वही कैजुअल एवरीडे डिस्कशंस करते हुए, बस फर्क इतना है कि हम सोनमर्ग में वॉक कर रहे हैं और दिल्ली में नहीं। इस खूबसूरत सी रात के लिए मैंने एक पोयम लिखी है। रात एक सहारा है, इसमें हर एक आवारा है। खामोशी, अंधेरा और सिर्फ सन्नाटा है। दिन की दौड़, तकलीफें और मुसीबतों से बस कुछ पल ही तो छुटकारा है। चलो दिन की कलाकारी अब बंद करें, बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर ये आंखें बंद करें, क्योंकि रात एक सहारा है और बस ये आत्मा है जो आवारा है। तो आज है हमारा सेकेंड डे इन सोनमर्ग, आज हमारी दूसरी रात है। तो अपने शेफ से पूछते हैं कि आज की क्या पेशकश है। देखो गाइस, मेरा तो पेट यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक भरने के लिए आज मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि ज्यादा मेरा मन नहीं था, क्योंकि अभी हम गए थे जैसे कि आपने देखा हमने मोमोज खाए, चार चाय पी, दो दो ईच, तो अब मेरा तो पेट भर गया था, मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी रणधीर के कहने पे और रणधीर का मन रखने के लिए मैं पुलाव बना देती हूँ। और क्योंकि हमें व्लॉग भी बनाना है तो व्लॉग का एक पार्ट भी हो जाएगा और खाने में हल्का भी रहेगा, इसलिए लाइट होने से ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिलासा मिलता है और बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। नॉइस हाँ,
अब बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। आपको क्या ही पता लग रहा है, हम कह देंगे अच्छा है ना। ठीक है ठीक है, जैसे पुलाव होते हैं वैसे होते हैं। पुलाव क्या ओवर द टॉप, तुम क्या ही बना लोगे? पुलाव घर में ही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, नमक कम है, चावल पके हुए हैं, सोयाबीन पका हुआ है, आलू पका हुआ है, जीरा पका हुआ है, हुण एदे भी शाही पनीर तो नहीं आ जाना। हमारा सेकंड डे हुआ खत्म एंड हम आ चुके हैं अपने कोजी टेंट में। अब हम आराम से रेस्ट करेंगे क्योंकि कल का दिन तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि कल आएगा सुचीला पास और उसके बाद आएगा कारगिल। तो ऐसे कहानी कल की चलती रहेगी, कल की बात छोड़ो, आज का हमारा सेटअप देखो। देखो हमारे रजाइयों में हम लोग सो रहे हैं, बड़ा अंदर ना ऐसे कोजी सा माहौल हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है घर में ही सो रहे हैं, बस घर में टेंट टेंट खेल रहे हैं। पर तुम्हें क्या पता, हम तो सोनमर्ग की घाटी में सोएंगे। चलो गाइस, वी विल सी यू टुमारो, कल सुबह मिलते हैं। शबा खैर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो एडवेंचर बस शुरू हुआ है। आप आने वाले वीडियोस में देखना क्या क्या होता है और किस किस तरह से होता है। लाइक ऑलवेज आई विल से वी विल बी बैक।